नमस्कार दोस्तों, आज तकरीबन एक महीने से टीवी हो या अखबार हो, सोशल साइट हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पप्पू यादव और पूर्णिया लोकसभा सीट पर ही चर्चाएं होती है। आज देश का सबसे हॉट सीट बन गया है पूर्णिया, जहां भीड़ इकट्ठी करने की प्रतियोगिता चल पड़ी है। लेकिन सवाल है कि इन चर्चाओं के बीच आखिर पप्पू यादव को नामांकन के मंच पर क्यों रोना पड़ा? तो आपको बताऊं कि आज पप्पू यादव की लोकप्रियता इतनी है कि आज भी वे यदि 5 बजे सुबह में अपने सिर्फ 5 कार्यकर्ताओं को ही फोन कर दें, तो अगले 5 घंटे के बाद यानी 10 बजते बजते पप्पू यादव के पास 5,000 कार्यकर्ता जमा हो जाते हैं। उनकी लोकप्रियता नामांकन के दिन भी दिखाई दी, जहां पप्पू यादव का मनोबल बढ़ाने के लिए बिहार के हर जिले से, हर हिस्से से लोग पहुंचे थे। लेकिन पप्पू यादव को मंच पर रोना पड़ गया। आखिर क्यों पप्पू यादव आखिर मंच पर क्यों रोने लगे? तो आपके सामने कई राजनीतिक हालात नजर आ रहे होंगे, आपको कई कारण दिखाई भी दे रहे होंगे पप्पू यादव के रोने का। लेकिन पप्पू यादव के रोने का जो 3 अहम कारण है, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं, क्योंकि पूर्णिया के राजनीतिक हालात ने उस पप्पू यादव को रुला दिया जिन्होंने 3 बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से तो 2 बार मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है, जिनके विरुद्ध 41 मामले आज भी न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें रोना पड़ गया। उस पप्पू यादव को जो कोरोना हो या फिर बाढ़ हो, हर जगह सबसे आगे दिखते हैं, चाहे कहीं हत्या हो या फिर किसी के साथ कोई हादसा हो गया हो, पप्पू यादव वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी की मांगों का धरना प्रदर्शन हो या फिर कोई सामाजिक आंदोलन हो, हर जगह जो पप्पू यादव देखे जाते हो, उनके पास आज भी बिहार में कोई निर्धारित एक सीट नहीं है जिस पर उनकी जीत सुनिश्चित मानी जाती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि पप्पू यादव 1990 ईस्वी में पहली बार विधायक बने और विधायक के बाद लगातार सांसद बनते रहे। उनकी पत्नी भी सांसद रही और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद भी हैं। उसके बावजूद भी उन्हें किसी दल ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाना मुनासिब नहीं समझा। आखिर क्यों पप्पू यादव में आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं? क्या पप्पू यादव के पास जनसमर्थन नहीं है? और यदि उनके पास जनसमर्थन नहीं है, तो फिर पिछले 6 महीने से पूर्णिया की सड़कों पर पप्पू यादव के पीछे जो भीड़ चल रही है वो क्या है? किसकी भीड़ लेकर पप्पू यादव चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं? आपको पता है कि नामांकन के दिन NDA प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और राजद प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन में भी भीड़ जुटी थी। लेकिन पूर्णिया में जब पप्पू यादव नामांकन करने पहुंचे थे, तो उस दिन की भीड़ अप्रत्याशित भीड़ थी। 4 अप्रैल को पूर्णिया थमसा क्यों गया था? आखिर नामांकन की उस भीड़ को और नामांकन से पूर्व पप्पू यादव के साथ चलने वाली भीड़ को कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं देख पाए? और यदि देख पाए, तो फिर पप्पू यादव जैसे नेता को अपना प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? ऐसे और भी कई सवाल हैं। लेकिन आज पूर्णिया में यह राजनीतिक हालात बन चुकी है कि संतोष कुशवाहा जो NDA के प्रत्याशी हैं, मोदी जी के नाम पर मतदाता इस बार उन्हें संसद चुनने को तैयार नहीं दिखती है, बल्कि पप्पू यादव को अपनाने के लिए तैयार खड़ी दिख रही है। और यदि आज मतदान कराए जाए, तो फिर पप्पू यादव बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे हालात हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा वक्त में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आने वाले 18-20 दिनों में हालात बदल सकते हैं। मोदी जी के नाम पर संतोष कुशवाहा को एक बार फिर से पूर्णिया की जनता संसद बना सकती है, संतोष कुशवाहा फिर से हैट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव की जो लोकप्रियता मौजूदा वक्त में दिख रही है, वह लोकप्रियता बिहार के किसी नेता में नहीं दिखती है। आज वैसे नेता को भी अपने नामांकन के मंच से रोना पड़ गया। आखिर क्यों? तो इसका मूल कारण है पप्पू यादव का बरबोलापन। शायद इसी बरबोलेपन की वजह से इनकी इतनी लोकप्रियता भी बढ़ती चली जा रही है। और यदि पप्पू यादव के बरबोलेपन को आप बारीकी से जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ दिन पीछे जाना होगा, यानी 1990 ईस्वी से शुरुआत करनी होगी आपको, जब जातीय द्वेष के रास्ते पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिंहेश्वर से पहली बार विधायक चुने गए थे, उस वक्त से शुरुआत करनी होगी। सिंहेश्वर से विधायक बनने के बाद उस समय के जातीय संघर्ष में पप्पू यादव की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और पप्पू यादव
1991 में पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े और वे सांसद भी चुने गए। दरअसल जिस वक्त वे विधायक चुने गए और पूर्णिया से दो दो बार निर्दलीय सहित तीन तीन बार सांसद चुने गए थे, वह दौर था अपराध का, जातीय उन्माद का। और उस अपराध और उस जातीय उन्माद के बीच जातीय द्वेष इतना बढ़ गया कि दर्जनों लोगों की हत्याएं हो गई दोनों तरफ से, यानी सवर्ण समाज और दलित समाज और ओबीसी समाज के दर्जनों युवाओं की हत्याएं हुई। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव का उस वक्त भरपूर साथ मिलता था, लेकिन पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा ने उन्हें लालू यादव से अलग कर दिया, क्योंकि 1995 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की बातों को लालू यादव ने अनसुना कर दिया। पप्पू यादव जिस रणनीति के तहत कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों में चुनाव लड़ना चाहते थे, उसके ठीक विपरीत लालू यादव ने रणनीति बनाई थी 1995 में। इसी बात को लेकर पप्पू यादव लालू यादव से पहली बार अलग हुए थे 1995 में। उसके बाद पप्पू यादव और लालू यादव के बीच बात बिगड़ती ही चली गई, लेकिन पप्पू यादव के दिल में समाज सेवा का जो भाव अभी दिखती है, वही भाव पहले भी दिखती थी, जिसका परिणाम भी सामने दिखता था कि वे तीन तीन बार पूर्णिया का सांसद बनते रहे और उसी संसदीय पद को पाकर पप्पू यादव कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में लगातार राजनीतिक यात्रा करते रहे। आपको याद ही होगा कि उसी दौरान 12 जून 1998 को पूर्णिया के विधायक कॉमरेड अजीत सरकार की हत्या हो गई और उस हत्या में पप्पू यादव को आरोपी बनाया गया। अजीत सरकार हत्याकांड में वे जेल भी गए और लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद जब वे रिहा होकर 2013 में जेल से बाहर आए, तो लालू यादव ने 2014 के चुनाव में उन्हें मधेपुरा लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया और पप्पू यादव सांसद भी चुने गए 2014 में। लेकिन कुछ ही दिन के बाद पप्पू यादव का महत्वाकांक्षा एक बार फिर जागा और एक बार फिर लालू यादव के खिलाफ वे हो गए और राजद को छोड़कर जन अधिकार पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन कर लिया। लेकिन 19 के चुनाव में वे मधेपुरा से संसदीय चुनाव हार गए। हार ही नहीं गए बल्कि उनकी जमानत जब्त हो गई, जबकि मधेपुरा उनका गृह जिला भी है, फिर भी वे हार गए। खैर, पप्पू यादव ने इस दौरान अपनी पार्टी को पूरे बिहार में फैला लिया, हर जिले में अपनी पार्टी को खड़ा कर लिया और अब 2024 के चुनाव में उसी पार्टी को कांग्रेस में ही मर्ज करवा दिया। पप्पू यादव जब मधेपुरा से 2019 में चुनाव हारे तो वे अपनी हार का ठीकरा भी लालू प्रसाद यादव पर ही फोड़ा। लालू यादव के प्रति उनकी नाराजगी मीडिया के सामने भी देखने को मिलती थी। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने कहा था कि लालू का दोनों लाल यदि चुनाव जीत गया और विधायक बन गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन लालू के दोनों लाल जीत गए, परंतु पप्पू यादव ने राजनीति नहीं छोड़ी बल्कि और अधिक सक्रियता से अपने संगठन को मजबूत करने लगे। इस दौरान कई बार मंचों से तो कई बार वो मीडिया के सामने आकर लालू यादव और उनके बेटे और उनके परिवारवाद पर जमकर भड़ास निकालते रहे। हाल की ही एक घटना आपको याद होगा कि 2023 में यादव समुदाय ने पप्पू यादव के स्वागत और सम्मान में एक मंच सजाया था मधेपुरा में। उस समारोह में हजारों लोगों ने भाग लिया था। उसी मंच पर जैसे ही पप्पू यादव चढ़े और लोगों को संबोधित करना शुरू किया, वैसे ही एक व्यक्ति मंच के सामने आकर लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उसे बार बार लोग मना कर रहे थे, फिर भी वे लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते जा रहे थे। खुद पप्पू यादव ने भी कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाते ही रहे। उस व्यक्ति के नारे से पप्पू यादव इतने तंग हुए कि जिस तरह अक्षरा सिंह माइक पटक कर मंच से उतर गई थी, उसी तरह पप्पू यादव ने भी माइक फेंका और मंच से उतर कर चलते बने। और अब मौजूदा चुनाव में जब पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से टिकट के लिए चक्कर लगा रहे थे, जो पप्पू यादव लालू यादव के जिंदाबाद का नारा सुनना पसंद नहीं करते थे, उसी पप्पू यादव को लालू यादव से मिलने उनके पटना आवास पर जाना पड़ा। लेकिन लालू यादव ने फिर भी उन्हें टिकट नहीं दिया। कारण भी आप जानते हैं, लेकिन आप जो कारण जानते हैं वो कारण नहीं है, बल्कि कारण ये है कि पप्पू यादव के द्वारा लालू यादव और उनके बेटे सहित पूरे परिवार के विरोध में लगातार बोलते रहना, राजद के ही टिकट पर जीतकर राजद का ही विरोध करना भी बड़ा कारण है।
और देखिए कि इतने के बावजूद भी जब लालू से मिलने 18 मार्च को पप्पू यादव पटना पहुंचे तो उस वक्त लालू आवास पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने पैर आगे करके ऐसे बैठे थे पप्पू यादव कि जैसे लालू यादव नहीं बल्कि पप्पू यादव ही टिकट बांट रहे थे। पप्पू यादव का ये बॉडी लैंग्वेज भी उनके लिए खतरा सिद्ध हुआ। लालू यादव ने पप्पू यादव की इस ऐठनी की ऐसी दशा कर दी कि हजारों लोगों के बीच नामांकन के मंच पर ही वे रोने लगे। हालांकि पप्पू यादव भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वे फफक फफक कर रोने लगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पूर्णिया लोकसभा की सड़कों पर पप्पू यादव के पीछे जो भीड़ चल रही है वो इस बात को दर्शाता है कि पूरे बिहार में पप्पू यादव से ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। यदि मेरी माने तो यदि आज चुनाव हो जाए तो पप्पू यादव भारी अंतर से चुनाव जीत सकते हैं और संतोष कुशवाहा को हैट्रिक मारने से रोक सकते हैं। लेकिन यदि संतोष कुशवाहा के साथ भीतरघात न हो जैसा कि 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी उदय सिंह के साथ हुआ था तो फिर संतोष कुशवाहा आसानी से हैट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि बीमा भारती की सक्रियता भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव को जीतने से जरूर रोक रही है और कहीं ना कहीं पप्पू यादव के वो बीते हुए दिन भी उन्हें रोक सकती है जब उनके संसदीय कार्यकाल में पूर्णिया में अपराध अपने चरम सीमा पर हुआ करता था। कहीं ना कहीं पप्पू यादव के वो अतीत भी जीत के उनके सपने को तोड़ सकती है। हालांकि मतदान 26 अप्रैल को होना है, इस दौरान जनता के सामने भी सोचने और विचार करने का वक्त है। लेकिन ऐसे में 26 अप्रैल को जनता क्या निर्णय लेती है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त के राजनीतिक हालात ने और पप्पू यादव के बरबोलेपन ने उन्हें मंच पर ही रुला दिया। इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने द न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।